तो सर ऐसे कौन कौन से केसेस होते हैं बच्चों में जिनमें सर्जरी करने की जरूरत पड़ जाती है? बच्चों में बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है जितनी हम लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। अनफॉर्चुनेटली बच्चों को भी सर्जरी की जरूरत उतनी ही पड़ती है जितनी एडल्ट्स को पड़ती है। बच्चों में बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं जो जन्म से ही होते हैं, जैसे किडनी में स्वेलिंग हो गई, किसी का ब्लैडर नहीं बना हुआ है, किसी के ब्लैडर में रुकावट है, किसी किसी के हर्निया होता है बच्चों में, जो कि थोड़ा अडल्ट हर्निया से डिफरेंट होता है, पर हर्निया एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो बच्चों में हमें ऑपरेट करनी पड़ती है। जो जेनाइटल्स हैं वो डिफॉर्म्ड हो सकते हैं जिनके लिए हमें सर्जरी की जरूरत पड़ती है। ये तो स्पेसिफिकली यूरोलॉजी की बात हो गई। हम सर्जरी की बात करें तो कई बार बच्चों की इंटेस्टाइन नहीं बनी हुई है, उनके फूड चेस्ट में बहुत सारे मासेस हो सकते हैं जो जन्म से होते हैं, तो लंग्स की भी बहुत सर्जरी करने की हमें जरूरत पड़ती है। बहुत कॉमन जिसमें लीक छेद हो रहा है या फैल में हो रहा है, तो इसकी अनगिनत बीमारियां हैं जो कि पीडियाट्रिक सर्जन डील करते हैं और उसको ठीक करते हैं। सर्जरीज करने की हमें जरूरत पड़ती है। बहुत कॉमन